वाले हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो पॉइंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगला पार्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज एज वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अटेंड करेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, और उसके बिफोर हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके पहले हमने कल के लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। सो समरी ऑफ लास्ट लेक्चर, वी डिस्कस अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस अबाउट द फर्स्टली वी अंडरस्टैंड द पीरियडिक मोशन, बिकॉज द योर सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन द पीरियडिक मोशन। सो पहले हमने पीरियडिक मोशन डिस्कस किया था, उसके बाद हमने ऑसिलेटरी मोशन डिस्कस किया था, उसके बाद हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन लिया था। आफ्टर दैट हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो टाइप्स ही डिस्कस किए थे, एक था लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरा था एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे हम एंगुलर एसएचएम कहते हैं और लीनियर एसएचएम कहते हैं। तो इसके बाद हमने लीनियर एसएचएम को स्टार्ट किया था और उसमें डिस्कस किया था रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ओके। और उस रिस्टोरिंग फोर्स ही हमारा आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं उसे कंप्लीट करने के लिए ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है इसके बारे में हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। सो उस पार्ट की समरी लेते हैं और आज के पॉइंट के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं, ओके। सो समरी ऑफ लास्ट लेक्चर, वी डिस्कस अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन दैट पार्ट वी डिस्कस अबाउट द पीरियडिक मोशन। सो पीरियडिक मोशन क्या होता है, जब पार्टिकल वही मोशन इक्वल इंटरवल में क्या करता है, बार बार रिपीट करता है, उसे हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। द मोशन ऑफ पार्टिकल विच रिपीट्स इन अगेन एंड अगेन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, द मोशन ऑफ पार्टिकल रिपीट्स अगेन एंड अगेन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, देन दिस मोशन इज कॉल्ड एज ए पीरियडिक मोशन। उसका एग्जाम्पल भी हमने लिया था, दैट इज अ मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट सेल्फ, और अनदर एग्जाम्पल लिया था, दैट इज अ मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अनदर एग्जाम्पल लिया था हमने मोशन ऑफ हैंड्स इन क्लॉक, ओके। ये सब कौन से एग्जाम्पल है, पीरियडिक मोशन के एग्जाम्पल होते हैं, बिकॉज इस मोशन में जब हम अर्थ को एक पार्टिकल एज्यूम करते हैं और जो पार्टिकल जो है जो सन के अराउंड में कंप्लीट पाथ एक कंप्लीट चक्कर लगाता है तो उसे कितना टाइम लगता है, ये 1 ईयर्स का, हर ईयर 1 ईयर्स का ही होता है, मतलब 365 डेज का ही होता है, हर ईयर 365 डेज का ही होता है, बिकॉज इन 365 डेज एवरेजली मैं बता रहा हूँ, 365 डेज इन एवरी ईयर एवरेजली 365 डेज अर्थ सन के अराउंड में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, और उस रिवॉल्यूशन करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है, हर साल 365 डेज लगते हैं। सो दिस इज अ पीरियडिक मोशन, मतलब क्या होता है, हर साल में आफ्टर 365 डेज के बाद, इस टाइम के बाद और वही पॉइंट पे क्या आता है, वही पॉइंट पे रिटर्न आता है, तो उस मोशन को हम कहते हैं पीरियडिक मोशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, दैट इज अ मोशन ऑफ हैंड इन क्लॉक, हम मिनट हैंड लेंगे या हावर्स हैंड लेंगे और सेकेंड हैंड लेंगे, वही क्या करते हैं, वो जब क्लॉक में घूमते हैं तो हम मिनट हैंड का एग्जाम्पल लेंगे तो 12 से स्टार्ट होगा, फिर से 12 में आने कितने घंटे लगेंगे उसे, पूरे 12 घंटे लगेंगे, फिर से 12 से आगे निकलेगा, फिर से घूमेगा, फिर से 12 पे आएगा, 12 पे ही आएगा, और कितना टाइम लगेगा फिर से उसे, 12 ही घंटे लगेंगे, जिसे हम 12 आवर्स कहते हैं, ओके। तो ये जो हो गए, ये किसके एग्जाम्पल है, पीरियडिक मोशन के एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑसिलेटरी मोशन, क्या डिस्कस किया था, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज अ टाइप्स ऑफ पीरियडिक मोशन इन विच पार्टिकल अटेंड टू एंड फ्रॉम मोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन, उसे कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल टू एंड फ्रॉम मोशन अटेंड करता है अबाउट इट्स मीन पोजिशन के, इट इज अ पीरियडिक मोशन, उसे ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हार्मोनिक्स किसे कहते हैं, जो पीरियडिक होता है उसे हम हार्मोनिक कहते हैं, जैसे हमने ट्राइगोनोमेट्री में कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि साइन होगा, कॉस होगा, ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पीरियडिक फंक्शन, क्यों पीरियडिक फंक्शन है, बिकॉज ओनली साइन एंड कॉस रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स,
मतलब हम साइन और कॉस का जो वैल्यू लेंगे, साइन का वैल्यू आफ्टर वन पीरियडिक टाइम के बाद क्या होगा, रिपीट होगा। जिसे हम कहते हैं 0 to 2 pi के बाद साइन वही वैल्यू दिखाता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 2 pi का वैल्यू अगेन 0। ओके, इस प्रकार से सेम कॉस भी, कॉस का 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 2 pi का वैल्यू होता है 1। मतलब साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, और साइन के जो वैल्यू हो गए वो इसी पाथ में क्या हो गए, रिपीट हो गए। सो साइन एंड कॉस का है पीरियडिक फंक्शन है। ओके, सो साइन एंड कॉस पीरियडिक और हार्मोनिक फंक्शन है ओनली। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कैसे आता है, उस रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन, दैट इज एफ इज इक्वल टू -kx। ओके, वहाँ यहाँ पे एफ डिनोट द फोर्स, के डिनोट द फोर्स कॉन्स्टेंट, एक्स एक्स डिनोट द डिस्प्लेसमेंट। इट इज वेरी सिंपल, दैट इज एफ डिनोट द फोर्स, के इज डिनोट द फोर्स कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज डिनोट द डिस्प्लेसमेंट। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, निगेटिव साइन हियर इंडिकेट करता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डिरेक्शन। ओके, और ये जो के होता है उसे हम कहते हैं फोर्स कॉन्स्टेंट और रिस्टोरिंग फोर्स कॉन्स्टेंट। आफ्टर अपन जब स्प्रिंग का एग्जाम्पल लेंगे वहाँ पे हम स्प्रिंग कॉन्स्टेंट भी इसे कहेंगे। ओके, सो दिस इज सिंपल फॉर्मूला फॉर द रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, बिकॉज दिस रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से ही पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन अटेंड करता है, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और उस रिस्टोरिंग फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज कहाँ पे एक्ट होता है, ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजिशन। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। और डायरेक्शन के बारे में हम देखेंगे तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो उनके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, सो इसके बारे में हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम। पहले मैं फिर से लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन लेता हूँ, वहाँ से फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्टली लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ओके, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है डेफिनेशन इसका, सो बहुत सीधा डेफिनेशन है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल जब टू एंड फ्रो मोशन अटेंड करता है, क्यों करता है उसके बारे में बताए। सो इसका डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ पीरियडिक, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज द पीरियडिक मोशन इन विच पार्टिकल मूव क्यों अटेन टू एंड प्रोमोशन अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स क्या डेफिनेशन है समझ लेते हैं। तो पीरियडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन क्या होती है, पीरियडिक मोशन होती है इन विच पार्टिकल कौन सा मोशन अटेंड करता है, टू एंड प्रोमोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, यहाँ पे एक और वर्ड्स में राइट करता हूँ, अबाउट मीन पोजिशन अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स विच इज, वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, विच इज always act towards the
टूवर्ड्स द, कहाँ पे एक्ट होता है ये रिस्टोरिंग फोर्स? ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द मेन पोजिशन, मेन पोजिशन, मेन पोजिशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? एंड इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू डिस्पर्समेंट, डिस्पर्समेंट, डिस्पर्समेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्पर्समेंट ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट. समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था. ये कौन सा मोशन है? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है. द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियडिक मोशन. कौन सा मोशन है? सिंपल पीरियडिक मोशन है. इस मोशन में क्या होता है? इन विच पार्टिकल, पार्टिकल कैसे मूव होता है? टू एंड प्रो, टू एंड प्रो, आगे जाएगा फिर से पीछे आएगा. अबाउट इट्स मीन पोजिशन, अबाउट इट्स मीन पोजिशन अंडर द, क्यों होता है ये मोशन? बिकॉज वहाँ पे उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स विच इज ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द, कहाँ पे एक्ट होता है ये फोर्स? ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द मेन पोजिशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड. उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्पर्समेंट. सो हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्पर्समेंट विथ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या होता है? तो जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है. और हम जब इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते तो इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते और लिखते हैं दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस केक्स. इस के को कहते हैं हम फोर्स कांस्टेंट. इस के को क्या कहते हैं हम? फोर्स कांस्टेंट. और दिस इज अ सिंपल इक्वेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. यहाँ पे के क्या है? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से हम क्या कहते हैं? फोर्स कांस्टेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? फोर्स कांस्टेंट. इसका यूनिट भी हमने कल डिस्कस किया था. एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ के क्या होता है? फोर्स अपॉन, इसका फॉर्मूला आएगा फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट. तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन्स. और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर. सो क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर. ओके, इट इज वेरी सिंपल टर्म्स. इसका डायमेंशन भी हम निकालते हैं. डायमेंशन ऑफ के फोर्स कांस्टेंट का, तो फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन होता है एम वन एल वन टी माइनस टू. ओके, और मीटर का डायमेंशन होता है लेंथ एल वन. ओके, सो इसी वजह से फोर्स का, इसका डायमेंशन क्या आएगा? तो डायमेंशन आएगा फोर्स कांस्टेंट का दैट इज एम वन एल एल, तो क्या होगा? कैंसिल होगा, एम वन एल जीरो टी माइनस टू. ओके, सो दिस पार्ट वी डिस्कस इन ए प्रीवियस लेक्चर. नाउ वी डिस्कस अबाउट द न्यू पार्ट और न्यू पॉइंट्स फॉर टुडेज लेक्चर दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिस्कस करने वाले हैं. सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? ओके, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले. ये पार्ट जो है जो हम कल के लेक्चर में ही डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमको समझना है तो पहले हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए. इसलिए मैंने फिर से रिपीट किए क्या लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है. तो लीनियर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल टू एंड प्रो मोशन अटेन करता है. किसकी वजह से कर रहा है? किसकी वजह से कर रहा है? तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से कर रहा है. और वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? तो रिस्टोरिंग फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू माइनस केएक्स. ओके, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजिशन. और उसका मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज किसके प्रोपोर्शनल में होगा? डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में होगा. ये हमने अब तक डिस्कस किया. और उसी इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे यहाँ पे? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकालने वाले हैं. सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे. वी नो द इक्वेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, सो आई सो सिंपली से दैट इज वी नो दैट इक्वेशन
ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जो अभी हमने डिस्कस किया है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, सो एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स है. सो बट वी ऑल्सो नो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ, बट वी नो न्यूटन्स सेकेंड लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ. क्या होता है सेकेंड लॉ न्यूटन्स का? सो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एंड उसे ही कहते हैं हम दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. और जो मास इनटू एक्सेलरेशन है, ये जो इक्वेशन नंबर वन है उसमें हम ये वैल्यू डाल देंगे. सो दिस इज इक्वेशन नंबर टू. सो हम यहाँ पे कहेंगे जो ये इक्वेशन नंबर टू है जो हमने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है इक्वेशन वन में, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज एफ आर इज इक्वल टू माइनस एक्स जो हमारा इक्वेशन नंबर वन है उसमें हम किसकी वैल्यू डालेंगे, अभी हम फोर्स की वैल्यू डालेंगे. फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन. सो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स. ओके, अगेन हमें मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है, बट एक्सेलरेशन होता है क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन. सो ये वेलोसिटी किसकी, पार्टिकल है. पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिकली मूव होगा, तो यहाँ पे हम उसकी डायग्राम भी निकाल दें क्योंकि हमें उसका भी यूज होगा. सो ये डायग्राम है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये निगेटिव एक्सट्रीम होगा, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा, और पार्टिकल यहाँ से सिंपल हार्मोनिक ये जो है वो मीन पोजिशन है पार्टिकल का, और इस मीन पोजिशन पे पार्टिकल क्या होगा, वाइब्रेट होगा, दैट इज टू एंड प्रोमोशन अटेंड करेगा. जब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा एम्पलीट्यूड विथ का, और ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा निगेटिव एम्पलीट्यूड विथ का. सो जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्टेंस कहाँ से, मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन. और पार्टिकल जब इस मीन पोजिशन पे पार्टिकल जब इस लीनियर पाथ पे मूव होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो हम डिनोट करेंगे एक्स से एट पर्टिकुलर टाइम और इंस्टेंट टाइम के टाइम के लिए. सो दिस इज अ सिंपल मोशन, दैट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. और इस लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पार्टिकल अटेंड करेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो इस बारे में हम लिख रहे हैं. सो सिंपल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डी अपॉन डी टी एडेड इज, अगेन वी नो दैट वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट का रेट. सो डी एक्स अपॉन डी टी, जब हम यहाँ पे वेलोसिटी इस पार्टिकल के निकालेंगे तो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की वेलोसिटी. सो इस जब पार्टिकल यहाँ पे डिस्प्लेस होगा जिस पाथ पे, तो उस डिस्प्लेसमेंट का रेट उसे कहेंगे हम वेलोसिटी. सो डिस्प्लेसमेंट का रेट उसे कहते हैं हम वेलोसिटी. सो वी सिंपली से दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और जिसका ऑर्डर टू होता है. ओके, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ये जो वैल्यू जो है एक्सेलरेशन की, और डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हम कहाँ पे पुट करेंगे अभी, इस इक्वेशन को हम मैं इक्वेशन नंबर थ्री कहता हूँ, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर फोर कहता हूँ. सो इक्वेशन फोर हम कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन थ्री में. सो इक्वेशन फोर पुट इन इक्वेशन थ्री, तो यहाँ पे हमें मिलेगा मास एडिटिस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये एम जो है वो आर एच एस पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे ये मल्टीप्लायर है आर एच एस के जाएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड होगा, तो कैसा आएगा ये इक्वेशन. सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, और इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस दिस आर एच एस टर्म I shifted towards the LHS, then dx square upon dt square plus k upon m into x is equal to 0. Okay, इस इक्वेशन को मैं स्टार कहता हूँ, क्या करता हूँ स्टार इक्वेशन में फिर से लिखता हूँ, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. कल फिर से हमने k अपॉन एम की वैल्यू भी निकाली थी, k अपॉन एम की वैल्यू क्या होती है,
बट अगेन के अपॉन यम, बट वी नो के अपॉन यम की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एंगुलर स्पीड। सो के अपॉन यम की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और ये वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे तो हमें और इक्वेशन, एक और इक्वेशन मिलेगा, डी एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इक्वेशन को मैं कहता हूँ डबल स्टार। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन यम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इक्वेशन को हम स्टार करें, और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसे हम डबल स्टार कहते हैं। ए स्टार और डबल स्टार, दिस इक्वेशन को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस इज अ सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा है, सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसका है, एसएचएम। एसएचएम मतलब किसका, जब पार्टिकल इस लीनियर पाथ पे मूव होगा तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ सिंपल फेनोमेना अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया है डिफरेंशियल इक्वेशन में, सो सिंपल रिस्टोरिंग फोर्स लिया था, एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस रिस्टोरिंग फोर्स में हमने किसकी वैल्यू डाल दी, पार्टिकल जब मूव होगा तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है उसके लिए हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ यूज करते हैं। सेकेंड लॉ क्या होता है न्यूटन्स का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसे ही हम कहते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की रख दी, तो यहाँ पे आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ओके, बट वी ऑल्सो नो दैट व्हाट इज मीन बाय द एक्सेलरेशन, जब पार्टिकल इस लीनियर पाथ पे जब मूव होगा तो उसका वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे एक्सेलरेशन कहेंगे, डी वी अपन डी टी। और अगेन डी अपन डी टी मैंने साइड पे लिया, वेलोसिटी का रेट, वेलोसिटी किसका रेट होता है, डिस्प्लेसमेंट का रेट होता है। सो डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन का न्यू इक्वेशन आ गया डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर, दैट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जो वैल्यू है ये इक्वेशन फोर की इक्वेशन थ्री में डाल दी, सो मास एडिटिज है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने डाल दी, एक्सेलरेशन की वैल्यू है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। आफ्टर दैट मैंने एम जो वैल्यू है, सॉरी जो मास है एम, वो मैंने आर एच एस में शिफ्ट किया, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, जब आर एच एस में जाएगा तो क्या होगा, उसे डिवाइड होगा, सो आर एच एस को डिवाइड होगा, सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एम के अपॉन एम इंटू एक्स। सो सिंपल मैंने ये जो आर एच एस की टर्म है वो एच एस में ली, सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इक्वेशन हमने स्टार किया, फिर हमने सिर्फ यहाँ पे के अपॉन एम की वैल्यू डाल दी। क्या है के अपॉन एम की वैल्यू, जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर होता है। ओके, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, सो डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फेनोमेना अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यहाँ पे हमें एग्जांपल भी पूछा जाता है, सिंपल है, आपको हम एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल ऐसे एग्जांपल दिया है आपको, इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहेंगे, इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी इज इक्वल टू सॉरी प्लस 36 x इज इक्वल टू जीरो। अने आपको पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड फोर्स कॉन्स्टेंट वेन एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, फोर कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी फोर कांस्टेंट पीरियड भी निकाल सकते हैं, पीरियड ऑफ एसीचर व्हेन मास ऑफ पार्टिकल इज 2 kg। जस्ट एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे इस डिफरेंशियल के ऊपर, कैसा एग्जांपल पूछा जाएगा, सिंपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा आपको, डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी प्लस 36 इंटू एक्स, मैंने एग्जांपल लिया है। और हमें क्या पूछा है इस एग्जांपल में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी का, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट का, और पीरियड ऑफ एसीचम व्हेन द मास ऑफ पार्टिकल कितना होगा, 2 kg का होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा ये हम देखेंगे अभी। तो चलो हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो
क्या पूछा इस एग्जांपल में हमें, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस 30x इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमें पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट क्या होगा और पीरियड ऑफ एसीजम क्या होगा जब उसका पार्टिकल का मास कितना होगा 2 kg। तो पहले हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं, गिवन में हमें क्या दिया है, गिवन में हमें सिर्फ मास दिया है, मास कितना दिया है 2 kg दिया है, और हमें क्या दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसीजम दिया है डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस 36x इज इक्वल टू जीरो। ओके, सॉल्यूशन में हमें फाइंड क्या करना है, पहले वही लिखते हैं, पहले हमें फाइंड करना है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, सेकेंड में हमें फाइंड करना है फोर्स कांस्टेंट के, और बाद में हमें फाइंड करना है पीरियडिक टाइम टी। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्टली जनरल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसीएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसीएचएम। तो एसीएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या है, तो हमें वो मालूम है क्या है, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू क्या है जीरो। अगर इस इक्वेशन का कंपैरिजन इस इक्वेशन से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में कितनी मिलेगी 36 मिलेगी। ओके, सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 36 होगी, तो ओमेगा की वैल्यू कितना आएगा रूट ऑफ 36, जिसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 6 रैड पर सेकेंड। तो हमें किसकी वैल्यू मालूम हो गई यहाँ पे, तो हमें बस एंगुलर फ्रिक्वेंसी मालूम हो गई, वो आई 6 रैड पर सेकेंड। उसके बाद हम लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ के क्या होता है, सो सेकेंड के इज इक्वल टू हमें मालूम है उसका फॉर्मूला मास इंटू ओमेगा स्क्वेयर। ओके, सो मास कितना यहाँ पे 2a, ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू 36 है वहाँ पे रखेंगे तो k की वैल्यू भी मिल जाएंगे, k की वैल्यू आएगी हमारी 72 न्यूटन पर मीटर, जो अभी हमने उसका यूनिट भी निकाला कैलकुलेट किया था। सो k की वैल्यू कितनी मिली हमें, फोर्स कॉन्स्टेंट कितना आया 72 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड वैल्यू जो दैट इज अ पीरियड, पीरियड क्या होता है 2π अपॉन ओमेगा होता है, जो पीरियड का फॉर्मूला है, सो 2π अपॉन ओमेगा, ओमेगा कितना आया 6 आया, सो पाई बाय 3 सेकेंड, ये क्या आएगा अपना पीरियड आएगा। तो वैल्यू ऑफ पीरियड, जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन अटेंड करेगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस 36x, तब वहाँ पे फोर्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी फोर्स कांस्टेंट एंड पीरियड के वैल्यूज, सो फर्स्टली हमने कैलकुलेट किया एंगुलर फ्रिक्वेंसी, उसके बाद कैलकुलेट किया हमने फोर्स कांस्टेंट, और उसके बाद कैलकुलेट किया हमने पीरियड। अब हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हम एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन अटेंड करेगा। तो मैं पहले फिगर निकालता हूँ, ये हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम का पॉइंट है, और ये हमारा मीन पोजिशन है। पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन अटेंड करेगा तो इस लीनियर पाथ पे मूव होगा, टू एंड प्रो मोशन अटेंड करेगा, उसे हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। जब यह पीरियडिक होगी तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज पीरियडिक होती है। सो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है हमारा, ये हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम है। मैं फिर से बता रहा हूँ मीन पोजिशन से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा प्लस ए, नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा माइनस ए, और पार्टिकल जब मूव होगा इन पर्टिकुलर टाइम में तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स। ओके, सो हम पहले कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन सिंपल फॉर्मेट में फिर राइट करेंगे, फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी हम निकालेंगे। सो पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन जब हमें कैलकुलेट करना है तो हम फिर से लिखेंगे यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसीएचएम। एसीएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया है, क्या होता है, डी स्क्वेयर एक्स
अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस डी एक्स स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर को हम क्या कहते हैं, और भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर एक्स, राइट। तो डी एक्स डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर क्या है, हमारा एसलरेशन है। इसे हम मैं इक्वेशन स्टार कहता हूँ क्या, इक्वेशन नंबर वन कहता हूँ। तो डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर ये क्या, हमारा आइसोलेशन। ओके सो आइसोलेशन ए, आइसोलेशन के लिए मैं ए यूज़ करता हूँ। ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वेयर निगेटिव विथ निगेटिव साइन, बिकॉज ये जो टर्म है ओमेगा स्क्वेयर ये यहाँ पे एल एच एस पे है, जब उसे हम आर एच एस में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, सिंस डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। सो एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल गया हमें, ए स्क्वेयर इज ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ये किसका इक्वेशन होगा, एक्सेलरेशन का। अब इसके हम कुछ कंडीशन पर राइट करते हैं, एट एक्सट्रीम पोजिशन, एट एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजिशन, तो एक्सट्रीम पोजिशन पर क्या होगा, x इक्वल टू मिलेगा हमें प्लस माइनस a, तो हमारा आइसोलेशन क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और वो मैक्सिमम कितना मिलेगा, माइनस प्लस। ये जब a x वैल्यू हम क्या डालेंगे, प्लस माइनस a, तो ये हो गया मैक्सिमम आइसोलेशन। x की वैल्यू कितना पुट करेंगे हम यहाँ पे, प्लस माइनस a, एम्पलीट्यूड इतनी, कहाँ पे, एक्सट्रीम पे। देखिए यहाँ पे जब पार्टिकल की पोजिशन, हम पॉइंट कौन था, जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन अटेंड करेगा तब जब वो एक्सट्रीम पोजिशन पे होगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्लस ए, निगेटिव एक्सट्रीम में होगा तो माइनस ए होगा। कहाँ से होगा, मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमने यहाँ पे लिया, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन में होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा प्लस माइनस ए। सो ए मैक्सिमम कितना मिला हमें, ए मैक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस। सो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, सो यहाँ पे आ गई ए मैक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस ओमेगा स्क्वेयर ए। सो यहाँ पे हमें एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम हो गई। हम अब मीन पोजीशन पे कैलकुलेट करेंगे, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। सो कॉन्सेंट्रेट हियर, कॉन्सेंट्रेट हियर मीन पोजीशन, यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, एक्स के वैल्यू यहाँ पे कितना होगी, जीरो। मीन पोजीशन पे एक्स कितना होता है, जीरो। तो आइसोलेशन कितना मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, कितना होगा, दैट इज जीरो होगा। कितना होगा, जीरो। समझ में आ रहा है, ओके नेक्स्ट। उसके बाद हम निकालेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो हमें आप निकालनी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जब पार्टिकल एसएचएम मेक करेगा। इट इज वेरी सिंपल, टेंशन नहीं लेना, सिंपल वेज वी कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन पार्टिकल मेक्स एसएचएम। जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तब उसका वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आएगा, हम यहाँ पे देखते हैं। सो अगेन आई रिकॉल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम और इक्वेशन नंबर वन आई सिंपली से दैट, सो डी एक्स स्क्वेयर और इक्वेशन हमें इसको इक्वेशन को वन कहते हैं यहाँ पे, ओके। सो इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन बिकम्स, तो हमें आइसोलेशन का इक्वेशन मालूम हो गया। आइसोलेशन क्या हुए, क्या होगा यहाँ पे, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स होगा, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। सो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, सिंस एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, डी वी अपॉन डी टी होता है। क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, वेलोसिटी का रेट। सो मैंने हमें कैलकुलेट भी वेलोसिटी करनी है, इसलिए मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन का इक्वेशन डाल दिया वेलोसिटी का। सो एक्सेलरेशन इज क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है। यहाँ पे मैं चेन रूल यूज़ करूँगा, चेन रूल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं डी एस से डी एक्स से चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट से इस डी वी अपॉन डी टी टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो आप यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी इज इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, कुछ नहीं होगा, dx अपन dx के वाले कितना होगा, 1। सो मैंने क्या किया, चेन रूल्स के अकॉर्डिंग्स dx अपन dx लिख दिया, LHS में कौन सा भी चेंज नहीं, सो LHS एडिटिव है। सो नाउ मैं यहाँ पे dx शिफ्ट करता हूँ, सो dv अपन dx इंटू dx, ये dt यहाँ पे शिफ्ट किया, dt इज इक्वल टू
ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब क्या होगा, ये डी एक्स अपन डी टी रेट ऑफ चेंज जो आप डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे क्या कहते हैं हम, वेलोसिटी कहते हैं। सो मैं यहाँ पे रखता हूँ वी, ये जो पहली टर्म लिखता हूँ वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कॉन्सेंट्रेट हियर, कहाँ तक आए देखो, हमने वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला है वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है? ओके, वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या किया था हमने, डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बाद में डी एक्स को शिफ्ट किया। सो डी वी अपॉन एक डी एक्स यहाँ पे डी टी यहाँ पे शिफ्ट की। सो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी एक्स अपॉन डी टी। सो डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो गई हमारी, वेलोसिटी हो गई। ये टर्म एडिटिव लिख दिया, डी वी अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स ओके इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। नाउ वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया। सो नाउ हमें वेलोसिटी निकालनी है, सो मैं डी एक्स यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। सो वी इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हायर लेवल के लिए हम इसके ये बोर्ड में ही आता है और हायर लेवल में भी आता है। हायर लेवल में प्रोजेक्शन का यूज़ करके हम डायरेक्ट वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम डिटेल में जा रहे हैं जिसका यूज़ हमें बोर्ड में भी होगा हायर लेवल में भी होगा। ओके, सो वी इंटू डी वी इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आप इंटीग्रेशन लेते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी इंटू डी वी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन डालते, समझ में आ रहा है? जब पार्टिकल मूव होगा तो वो कहाँ से कहाँ मूव होगा, मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन तक जाएगा। तो यहाँ पे हम जिसका इंटीग्रेशन लेंगे तो v इंटू डी वी का इंटीग्रेशन होगा वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वो आइडेंटिटीज बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय टू, क्या होगा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी आ जाएगा। सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे कहते हैं हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल, इसे क्या कहते हैं हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल भी कहते हैं। अब हमारा टारगेट है इसे इक्वेशन नंबर हम टू कहेंगे, यस इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर टू। अब हम यहाँ पे सम बाउंड्री कंडीशन लेते हैं। नाउ फ्रॉम फिगर बाउंड्री कंडीशन जो हमें विलास सी का वैल्यू, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो मैं फिगर को रेफरेंस मान के ये उसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। मैं लिखता हूँ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एट टेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ओके पार्टिकल का है एक्सट्रीम पोजिशन पे, पार्टिकल का होगा एक्सट्रीम पे, ओके और ऐसे लिखते हैं एट एक्सट्रीम पोजिशन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो लिया एक्सट्रीम पोजिशन पे, पार्टिकल यहाँ से ऑसिलेट होकर कहाँ पर तक जाएगा एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, वो फिर से बैक आएगा, ओके और कहाँ पे जाएगा, निगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा। तो एट एक्सट्रीम में टाइम टी इज इक्वल टू जीरो और वेलोसिटी भी कितनी होती है जीरो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक्सट्रीम पे, डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस और माइनस ए, कितना होगा प्लस और माइनस ए, ये सभी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, v का वैल्यू जीरो, सो जीरो बाय डिवाइड बाय जीरो इज इक्वल टू, टाइम नहीं है नो प्रॉब्लम, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। अतः x की वैल्यू यहाँ पे हमें डालनी है, x की वैल्यू क्या है प्लस माइनस ए, तो उसका स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर होगा। जब हम ये वैल्यू एल एच एस लाएंगे तो सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा, सी का वैल्यू क्या मिला ओमेगा स्क्वायर, ये निगेटिव टर्म है, यहाँ पे आ जाएगी तो पॉजिटिव होगी, एल एच एस में आ जाएगी तो पॉजिटिव होगी, सो सी का वैल्यू मिल रहा है हमें ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू। ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन टू क्या होगा, इट इज़ वेरी सिंपल, इक्वेशन टू होगा हमारा, इक्वेशन टू ये सो वी स्क्वेयर बाय टू इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन टू एडिटीज प्लस सी का वैल्यू क्या आ गया, सी का वैल्यू आ गया ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन टू, सो ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन टू, ये किसका वैल्यू हो गया,
ये किसका वैल्यू हो गया, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू ए सी का वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाला है, बाउंड्री कंडीशन डाल दी। एट एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगी और एम्पलीट्यूड कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एम्पलीट्यूड इतना होगा। सो यहाँ पे हमने ये वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू कितना आ गई, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू, सो वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय अपॉन टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये टर्म में पहले टू टू सभी के क्या हो गए, कैंसिल हो गए, वेलोसिटी स्क्वायर मिलेगा, वेलोसिटी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये पहले लिखता हूँ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा एज ए राइट। ओके सो अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, सो वी स्क्वायर। ओके सो अब यहाँ पे हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, सो वी का स्क्वायर रूट होगा वी, ओमेगा का स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए होगा इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन पार्टिकल मेक द एसी जंप, जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन मेक्स करेगा तब उसका वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज वेरी सिंपल इक्वेशन, that is v is equal to plus minus omega under root a square minus x square, here omega is angular frequency of particle, a is a amplitude of particle and x is a displacement of particle, so this is the equation of velocity। इसके बाद हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का, किसका इक्वेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का, तो कॉन्सेंट्रेट हियर, नाउ वी कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का हम इक्वेशन निकालने वाले हैं, चलो आप डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन का निकाला हमने, वेलोसिटी का निकाला, तो आप पहले हमने एक्सेलरेशन का निकाला था, एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिला था हमें, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सेकेंडली हमने किसका इक्वेशन निकाला था, इक्वेशन निकाला था हमने वेलोसिटी का अभी अभी निकाला हमने, हमें मिला प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन मिला था हमें, वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल मेकिंग द एसी जंप। नाउ वी कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो आई रिपीट अगेन, जैसे मैंने वेलोसिटी के टाइम एक्सेलरेशन का इक्वेशन रिकॉल किया था, अभी मैं किसका इक्वेशन रिकॉल करूंगा, वेलोसिटी का, सो आई सिंपली से दैट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेकिंग द एसी जंप, जब पार्टिकल एसी जंप मेक करेगा तो उसका वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, ये पहले हम लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज वेरी सिंपल, सो वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, या इट इज होगा। ओके यहाँ पे मैं टर्म शिफ्ट करता हूँ, ये जो टर्म है आरएचएस की वो एरएचएस में लाता हूँ और डीटी आरएचएस में शिफ्ट करता हूँ, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा इंटू डी टी। अब हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट, सो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड में इंटीग्रेशन रखता हूँ, तो दोनों साइड में जब मैं इंटीग्रेशन रखूँगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन हो रहे dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल इंटीग्रेशन हो रहे ओमेगा इंटू डी टी, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी डी टी इज टाइम, जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स का, सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन ओमेगा कॉन्स्टेंट होगा डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी प्लस यहाँ पे हम फाई लिखेंगे, फाई इज अगेन आवर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसे हम इनिशियल फेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनिशियल फेज ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब पार्टिकल एग्जैक्टली मीन पोजीशन स्टार्ट होगा और एग्जैक्टली एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा तो ये
फाइव नहीं आएगा, लेकिन पार्टिकल इन बिटवीन मेन पोजिशन एंड एक्सट्रीम पोजिशन, ओके, यहाँ पे स्टार्ट करेगा पार्टिकल, यहाँ से स्टार्ट करेगा, नॉट एग्जैक्टली मेन पोजिशन, नॉट एग्जैक्टली एक्सट्रीम पोजिशन, देन ये आएगा इनिशियल फेज ऑफ पार्टिकल का, ओके. सो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल ओमेगा टी प्लस ए. ये साइन इनवर्स कैसे लिख सकते हैं अपन? ए साइन इनवर्स हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन इंटू एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके. सो ये साइन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, कहाँ पे? एलएचएस में. हम उसे आरएचएस में शिफ्ट करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो एक्स अपॉन ए इज इक्वल आएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके. नाउ मैं ये भी, ये जो ए एम्पलीट्यूड है वो भी मैं आरएचएस में शिफ्ट करता हूँ, तो क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसीएचएम. एसीएचएम का ये क्या हो गया? जनरल इक्वेशन हो गया. किसका? डिस्प्लेसमेंट का. जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में, लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्ट्रेट लाइन पे मूव होगा, तब उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आएगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा. नाउ यहाँ पे हम कुछ कंडीशन रखेंगे फिर से, जिसका यूज करके हम फाइव निकालेंगे. तो पहला कंडीशन में लेता हूँ एट मीन पोजिशन. एट मीन पोजिशन, जब हम मीन पोजिशन पे जाएंगे इनिशियली, तो हमारा टाइम टी इज इक्वल टू जीरो होगा, और मीन पोजिशन पे डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? यहाँ पे इनिशियल टाइम जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? जीरो. जब हम ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे इस इक्वेशन का, हम इक्वेशन नंबर टू थ्री होगा थ्री और फोर रखेंगे. जस्ट इमेजिन द आइसोलेशन का इक्वेशन को हमने वन माना, इस वेलोसिटी के इक्वेशन को हमने टू माना, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर थ्री हो गया, ओके. सो एट मीन पोजिशन पे क्या होगा? टाइम इनिशियली टाइम इज जीरो, मोशन स्टार्ट ही हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? कितना है? जब इनिशियल टाइम टी जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजिशन जीरो होगा, तब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थ्री में रखेंगे. देन इक्वेशन थ्री बिकम्स, इक्वेशन थ्री क्या होगा? तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो, टी की वैल्यू जीरो डालेंगे. सो जीरो इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, टी कितना है अगेन? जीरो प्लस फाइव, ओके. सो जीरो ओमेगा जीरो, ये कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. सो ए साइन, ये टर्म जीरो हो गया, क्या हो गया? ए साइन फाइव. सो ए भी यहाँ पे लाएंगे तो साइन फाइव इज इक्वल क्या होगा? जीरो. साइन फाइव जीरो मतलब फाइव की कौन सी वैल्यू होगी? साइन की वैल्यू होगी या पाई या टू पाई और जीरो, ओके. मतलब पाई, टू पाई और जीरो, ये वैल्यू दिखाएगा. सो हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे जीरो. तो ये जो जीरो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ओके. तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम जीरो डिग्री लेंगे तो साइन जीरो कितना होगा? जीरो. अगर हम पाई लेंगे, साइन पाई कितना होगा? जीरो, ओके. सो जीरो पाई, टू पाई हम जो वैल्यू रखेंगे किसकी? साइन की, फाइव की, तब साइन का वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा. सो फाइव इज इक्वल जीरो पाई और टू पाई एंड सो ऑन. सो हम यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिलेगा एक्स इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस जीरो. इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन एट मीन पोजिशन पे. जब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट होगा? मीन पोजिशन से स्टार्ट होगा, तब उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आएगा ए साइन ओमेगा टी. कितना आएगा? ए साइन ओमेगा टी आएगा. समझ में आ रहा है? सिंपल है बहुत, ओके. क्या किया हमने इस पार्ट? एट मीन पोजिशन में टाइम जीरो लिया, डिस्प्लेसमेंट जीरो लिया, ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में डाल दी, एक्स इक्वल टू आया जीरो, एक्स वैल्यू ए साइन टी की वैल्यू जीरो डाल दी, तो यहाँ पे ओमेगा इंटू जीरो जीरो हो गया, जीरो प्लस फाइव इज फाइव. सो यहाँ पे मिल गया ए साइन फाइव. तो ए भी यहाँ पे लाया तो ए भी जीरो हो गया, जीरो अपन समथिंग विल बी जीरो. सो साइन फाइव इज इक्वल टू जीरो मिला. साइन फाइव कब जीरो होगा? जब फाइव की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, पाई होगी, टू पाई, टू पाई होगी. तो मैंने इनिशियली पहली वैल्यू क्या डाल दी? जीरो. तो जीरो रखेंगे तो क्या होगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस जीरो. और पाई भी रखें, साइन पाई प्लस टीटा इज साइन टीटा. सो इन दिस वे, सो ए साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, सो ओमेगा टी प्लस जीरो इज ओमेगा टी. सो वी सिंपली से दैट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एट
कुड है एट मीन पोजिशन, ये कहाँ पर मिलेगा हमें, मीन पोजिशन पे मिलेगा। इसके बाद हम जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालेंगे वो आप कहाँ पे निकालेंगे, सेकेंड एक्सट्रीम पोजिशन पे। नाउ एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन फिर से फिगर के ऊपर जाएंगे, फिगर क्या देखो हम यहाँ पे जाएंगे एक्सट्रीम पोजिशन पे, कौन सा अभी एक्सट्रीम लो, पॉजिटिव लो निगेटिव लो, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस ए, टाइम कितना रहेगा जीरो। ओके इनिशियली मोशन हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल अराउंड मोशन एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट करें, तब डिस्प्लेसमेंट प्लस ए और टाइम कितना है जीरो है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो, टाइम इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, टाइम इज इक्वल टू जीरो। अगेन दिस वैल्यू आई सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन थ्री में ये वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, बगा क्या होगा, एक्स का वैल्यू ए तो प्लस माइनस ए, एक्सट्रीम पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा तो प्लस ए, निगेटिव एक्सट्रीम पे होगा तो निगेटिव ए, सो प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ए एड इट इज, देखो यहाँ पे ए साइन ओमेगा इंटू टी का वैल्यू जीरो प्लस फाइव, हमें फिर से फाइव का वैल्यू निकालना है, सो यहाँ पे ये ला दिया तो क्या होगा, ए अपन ए कितना होगा प्लस माइनस वन होगा, इज इक्वल टू साइन यहाँ पे मिलेगी जीरो, ओमेगा इंटू जीरो, जीरो इंटू फाइव इज साइन फाइव, साइन फाइव का वैल्यू क्या मिल गया हमें, देखो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे साइन फाइव का वैल्यू मिल गया हमें प्लस माइनस वन, साइन फाइव का वैल्यू क्या मिल गया हमें प्लस माइनस वन, तो प्लस वन कब होगा जब फाइव का वैल्यू कितना होगा पाई बाई टू, और माइनस वन कब होगा जब फाइव का वैल्यू होगा थ्री बाई टू। ओके जब हम ये दो फाइव की वैल्यू पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू दोनों में से कौन सी एक वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे, इक्वेशन थ्री में। सो नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नाउ इक्वेशन थ्री बिकम्स, इक्वेशन थ्री को फिर से लिखता हूँ, तो इक्वेशन थ्री क्या आएगा, क्या आएगा, इक्वेशन थ्री आएगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और हमको पता है साइन थीटा प्लस पाई बाई टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ओके सो दिस इज अ सिंपल पार्ट, और हम यहाँ पे कौन से आइडिया इंट्रोड्यूस करें, साइन थीटा प्लस पाई बाई टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस पाई बाई टू के लिए क्या होती है, कॉस थीटा, ये वैल्यू कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए कॉस ओमेगा टी, यहाँ कहाँ पे हो गया है एक्सट्रीम पे। सो मैं फाइनली फिर से सभी इक्वेशन एक साथ लिखता हूँ, जो हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन, मीन पोजिशन पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम पोजिशन पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ए कॉस ओमेगा टी, ये सब कुछ पार्ट में फाइनली हमने क्या क्या आज के लेक्चर में डिस्कस किया वो सब एक साथ डिस्कस करता हूँ। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो देखिए पहले हमने निकाला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसीचम, पहले क्या कैलकुलेट किया हमने आज, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एज, फर्स्ट में हमने कैलकुलेट किया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसीचम, इक्वेशन ऑफ एसीचम। ओके एसीचम का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, और सेकेंड इक्वेशन इसी के अपॉन एम का वैल्यू ओमेगा स्क्वेयर, सो डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद हमने इक्वेशन निकाला वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का, मैं वन बाय वन लिखता हूँ यहाँ पे, पहले हमने लिया एक्सेलरेशन ऑफ एसीचम, एक्सेलरेशन ऑफ SHM, acceleration of SHM का जनरल इक्वेशन है A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ओके इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड वेलोसिटी का इक्वेशन मिला हमने, वेलोसिटी का इक्वेशन हमें क्या मिला, वेलोसिटी का इक्वेशन मिला हमें प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और तीसरा हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाला था,
डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन मिला था हमें ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे एट एक्सट्रीम पॉइंट पे, क्या मेन पोजीशन से, एट मेन पोजीशन, मेन पोजीशन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सो फर्स्टली मैं लिखता हूँ एट मेन पोजीशन पे, एट मेन पोजीशन, जब पार्टिकल मेन पोजीशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यस और नो, ये हमें हमें अभी देखा है। ओके, तो वेलोसिटी क्या होगा, सेकेंड वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी सिंपल है, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स अपॉन डी टी क्या आएगा, क्या आएगा, वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव, सो डी अपॉन डी टी इंटू ए साइन ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव लेने वाले हैं हम। ओके, सो वेलोसिटी इज इक्वल, एम्पलीट्यूड इज कॉन्स्टेंट, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ओमेगा। सो फाइनल हमें क्या मिलेगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, मेन पोजीशन पे क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी का इक्वेशन, अनदर इक्वेशन, वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नेक्स्ट हम जाएंगे थर्ड कंडीशन पे ऊपर, थर्ड, थर्ड हमें कैलकुलेट करना है एसोलेशन, कहाँ पे एसोलेशन कैलकुलेट करना है, मेन पोजीशन पे कैलकुलेट करना है। तो मेन पोजीशन पे एसोलेशन क्या आएगा, एसोलेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स हमें मालूम है मेन पोजीशन पे क्या होता है, एक्स क्या है मेन पोजीशन पे, ए साइन ओमेगा टी है। और हम दूसरी वे से देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इन्हें। सो एसोलेशन कैलकुलेट करना है, एसोलेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एसोलेशन स्मॉल ए सॉरी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी हमने वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला है, क्या है वेलोसिटी का इक्वेशन, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इज इट राइट। ओके, तो हम आपको इसका डेरिवेटिव लेने वाले हैं, सिंपल डेरिवेटिव लेंगे तो हमें किसका इक्वेशन मिल जाएगा मीन पोजिशन पे, एसोलेशन का। तो एसोलेशन का इक्वेशन क्या आएगा, देखो बच्चों, सो एसोलेशन क्या होता है, डीवी अपन डीटी होता है, डीवी तो हमने निकाला है, क्या मिला है, एक ओमेगा कॉस ओमेगा टी मिला है। तो हमें एसोलेशन मिलेगा यहाँ पे डीवी अपॉन डीटी, किसका डेरिवेटिव लेने वाले हम, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का। ए ओमेगा ऐसा है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, वो आउटसाइड में आ जाएगा, ए एम्पलीट्यूड ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, हम डेरिवेटिव लेंगे कॉस ओमेगा टी का, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी, क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव आगे क्या आएगा ओमेगा। सो एसोलेशन का इक्वेशन मिलेगा ये माइनस साइन, ये एडिट इज ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर इंटू साइन ओमेगा टी, और यह हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर, मैंने साइड नहीं लिख दिया, और ये लिया ए साइन ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी हमारा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट ना मीन पोजिशन का। सो मीन पोजिशन पे डिस्प्लेसमेंट है ना, कितना है डिस्प्लेसमेंट, ए साइन ओमेगा टी, वही पार। तो आइसोलेशन का इक्वेशन क्या मिल गया हमें, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, जो हमने जनरल फॉर्मूले में राइट किया था, समझ में आ रहा है। ओके, सिंपल, आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द सेम थिंग्स, सेम पार्ट, दैट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एट एक्सट्रीम पोजिशन। सो सेकेंड पार्ट लिखूंगा मैं एट एक्सट्रीम पोजिशन पे, एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन। तो एक्सट्रीम पोजिशन पे क्या होता है, एक्सट्रीम पोजिशन पे क्या होता है, तो एक्सट्रीम पोजिशन पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ओके, ये किसका इक्वेशन है एक्सट्रीम पोजिशन पे डिस्प्लेसमेंट का। सो वेलोसिटी क्या आएगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट का, सेकेंड वेलोसिटी, अगेन वेलोसिटी आपको मालूम है, क्या है मालूम, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो अगेन डी अपॉन डी टी इंटू ए कॉस ओमेगा टी, समझ में आ रहा है। ओके, तो ए यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू इस ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी मिलेगा, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी आएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कहाँ पे, जब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करेगा,
एक्सट्रीम पोजिशन से एस एच एम स्टार्ट करेगा तब उसका ये वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा, क्या आएगा, ए माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। नाउ वी कैलकुलेट द थर्ड एक्सेलरेशन का इक्वेशन हम निकालेंगे अब, किसका, एक्सेलरेशन का। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो हमें वेलोसिटी का हमने निकाला अभी अभी, तो क्या होगा ये माइनस ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये किसका डेरिवेशन हो गया, सॉरी इक्वेशन हो गया, वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। अब इसका रेट निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एक्सेलरेशन क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये ओमेगा है कॉन्स्टेंट है, सो आउटसाइड पे लेंगे इंटू साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, फिर से कॉस ओमेगा टी का मतलब ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ओमेगा आएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब ये इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, मैं ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को साइड में लिखता हूँ, सो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर को साइड में रख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बाद में राइट किया ए कॉस ओमेगा टी, और ए कॉस ओमेगा टी यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है किसका, एस एच एम का, कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजिशन पे। तो एक्सेलरेशन हो गया हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, समझ में आ रहा है। ओके सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम मीन पोजिशन एक्सट्रीम पोजिशन, ओके, एंड एज वेल एज द जनरल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट द ऑफ पार्टिकल मेकिंग एस एच एम। तो पार्टिकल जब एस एच एम मेक करेगा तो ये आएगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आएगा उसका एक्सेलरेशन का इक्वेशन, ये आएगा वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन। और उसके बाद हमने एट मिनी पोजिशन पे राइट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी होगा, वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा, और एक्सेलरेशन होगा माइनस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम ले लिया ओमेगा स्क्वायर एक्स। उसके बाद हम एक्सट्रीम पोजिशन में जाएंगे तब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा ए कॉस ओमेगा टी, उसका वेलोसिटी का इक्वेशन होगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन का इक्वेशन होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सो दिस इज अ फेनोमेना रिलेट अबाउट द वेलोसिटी एक्सेलरेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस एच एम। ओके तो आपको समझ में आया होगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, आईआईटी एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम। तो तीनों एग्जाम को आप जब स्टडी करेंगे तो ये इक्वेशन हमको हर जगह, जब हम एस एच एम की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा, कहाँ पे करना होगा, एस एच एम कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सब इस आज के लेक्चर में ये सब पार्ट आता है।